हेलो एवरीवन, आज हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन रियल नंबर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, मेरे पास सपोज ये सीक्वेंस ए एन है यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू एन। एक सीक्वेंस मैंने लिए एन, एन क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये सीक्वेंस हमारी कैसे दिखेगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर हम ऐसे चलते जाएँ तो ये हमारी इन्फिनिटी पे अप्रोच करती है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस हमारी इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर गई। नेक्स्ट है हमारे पास बी एन, दैट इज़ -1n(n). ये सीक्वेंस कैसी होगी, सबसे पहले n को 1 पुट कीजिए तो ये आंसर आएगा -1, देन 2, -3, 4, -5 अप टू सो ऑन। यहाँ पर आप देखो कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इवन हैं, तो उस सीक्वेंस को मैं B2n बना सकती हूँ, दैट इज़ 2 4 6। ये सीक्वेंस मेरी जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक कन्वर्ज होगी। और जो हमारी ऑड्स वाली सीक्वेंस है उसमें -1 है, -3 है, -5 है, तो ये सीक्वेंस चलते चलते माइनस इन्फिनिटी पर कन्वर्ज कर रही है। अब एक ही सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे भी कन्वर्ज करती है और माइनस इन्फिनिटी पर भी कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये जो बी एन सीक्वेंस है वो तो कन्वर्ज कर ही नहीं रही, क्योंकि कन्वर्जेंस आपकी यूनिक होती है, दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज नहीं कर सकते। सो बी एन डज नॉट कन्वर्ज। तो मेरे पास ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये दो एलिमेंट्स हैं जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ रियल नंबर सेट पर। और जैसे ही रियल नंबर सेट पे मैं इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ तो इन सब की यूनियन बन जाएगी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, राइट। अब मेरा यहाँ पर वर्क क्या है, मैंने इस सीक्वेंस को चाहूँगी कि ये सीक्वेंस अप्रोच हो जाए इन्फिनिटी पर, वो कैसे, तो उसके लिए हम एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे यूनिट सर्कल के ऊपर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से समझना। सपोज अब ये आपकी नंबर लाइन है जिसमें ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1, -2, -3, दिस इज अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब आप ये देखो, ये आपका ओरिजिन है। अगर हम ये इस तरफ पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, इन दोनों आर्म्स को अगर मैं एक साथ जॉइन कर दूँ यहाँ से और यहाँ से पकड़ के, इन दोनों को कोशिश करूँगी ये दोनों एडजॉइन हो जाए, तो ज्योमेट्रिकली मेरे पास एक फिगर आएगी, यूनिट सर्कल बन जाएगा। ओके, सपोज दिस इज़ योर ओरिजिन, अगर मैंने इन दोनों आर्म्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो वो एक यूनिट सर्कल की तरह दिखेगा। लेट मी मेक दिस यूनिट सर्कल, इस तरह से आपको ये दिखेगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट, ये 0 है बिकॉज ये यूनिट सर्कल है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 0, ये पॉइंट आपका होगा -1 0, दिस इज 0 1। ऑल राइट, मुझे मेनली इस रियल नंबर के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उसकी नंबर्स मुझे आइडेंटिफाई करवाने हैं यूनिट सर्कल के ऊपर वाले नंबर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर, दिस इज़ A0। अब मुझे इसकी प्रोजेक्शन बनानी है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ज्वाइन कर रही हूँ। अब आप देखो इसको ज्वाइन करते टाइम ये सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, लेट ये पॉइंट आपका
एक्स वन और वाई वन है. क्लियर? दैट मीन्स आपका जो रियल नंबर पे जो आपका पॉइंट है वो सर्कल के पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है. ये एक्स वन वाई वन के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है. तो यहाँ से जो मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करती हूँ यहाँ तक, उसमें इंटरसेक्शन आएगी. अब सपोज़ एक पॉइंट मैं इस तरफ लेती हूँ, लेट इट बी माइनस ए ज़ीरो. इसकी प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मिल रही है, लेट इट बी एक्स टू वाई टू. तो ये रियल नंबर वाला पॉइंट इस सर्कल के पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है. एक चीज़ आप ध्यान से देखना, जो ये पॉइंट है 1 0 और माइनस 1 0, इसमें देखो ये सर्कल का भी पॉइंट है और नंबर लाइन का भी पॉइंट है. यहाँ पर भी दिस इज़ सर्कल का भी पॉइंट है और नंबर लाइन का भी पॉइंट है. तो ये अपने आप में तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये फिक्स हैं. ठीक है, ऑलराइट. एक ये तो हो के बाहर वाले पॉइंट्स, इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स की बात हो गई. तो जितने भी बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो अपर हाफ ऑफ द सर्कल के साथ आइडेंटिफाई हो रहे हैं. ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ आइडेंटिफाई होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सो ऑन. सिमिलरली इस तरफ भी है. अब हम अंदर वाले पॉइंट्स की बात करते हैं. अब सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें इसकी, तो इसकी इंटरसेक्शन नीचे हो रही है, इस यहाँ पर हो रही है. तो अगर ये पॉइंट इस ये पॉइंट फिर आपका इस सर्कल के पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली इस तरफ जो पॉइंट होगा अंदर वाला, इसकी प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, लेट इट बी एक्स फोर वाई फोर. तो इस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन इस पॉइंट के साथ होगी. तो हम देख रहे हैं कि जो इनर वाले पॉइंट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के साथ हो रही है. ये लोअर हाफ ऑफ द सर्कल के साथ होगी. क्लियर हो गया? सो अगर मैं यहाँ पर एक इंटरवल देखती हूँ माइनस वन और वन, इसके जो इनसाइडली पॉइंट्स हैं दे आर आइडेंटिफाइड विद द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल. यूनिट सर्कल. और ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं अपर हाफ ऑफ द सर्कल के साथ. तो आउटसाइड पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड विद द अपर हाफ ऑफ द सर्कल. अब एक पॉइंट हमारा रह गया ये वाला 0 1 वाला. अब इसकी प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, वी डोंट नो. हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? तो ये तो इंटरसेक्शन इसकी नहीं है. तो हम इसको किस पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमने जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो हम इसको प्लस इन्फिनिटी के साथ आइडेंटिफाई करेंगे. तो मेरा एक नया एलिमेंट आ गया प्लस इन्फिनिटी इस रियल नंबर सिस्टम में. तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में आप देख रहे हो हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है बिटवीन द नंबर्स ऑन द रियल लाइन एंड द नंबर्स ऑन द यूनिट सर्कल. ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे आपस में आइडेंटिफाई हो गया और जो ये टॉप वाला पॉइंट था वो प्लस इन्फिनिटी के साथ आइडेंटिफाई हो गया. सो ये हमारी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है. सो अब ये जो रियल लाइन है ये तो हमारी कॉम्पैक्ट होती नहीं, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट. सेट ऑफ रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्पैक्ट सेट. बट ये जो आपका सर्कल है दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस यूनिट सर्कल इज कॉम्पैक्ट. तो हमारे पास
एक तरह से वन पॉइंट इन दोनों के बीच में रियल नंबर वाले पॉइंट्स और यूनिट सर्कल वाले पॉइंट्स के बीच में वन टू वन कंपैक्टिफिकेशन है। तो हमारा रिजल्ट क्या है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर यूनियन इन्फिनिटी विद द कम्पैक्ट सर्कल इज कॉल्ड वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, राइट। ये तो होगी हमारी रियल नंबर्स की बात। अगर हम इन्फिनिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस करेंगे, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन वी गेट एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हमारे पास जैसे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम था, ऐसी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मिलेगा। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के केस में हम यूनिट सर्कल की जगह स्फेयर यूज़ करेंगे और जो हमारे एक्सेस हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, हमारा वहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन स्फीयर की पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो थैंक यू।